हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ कृतिका सिंह। लेट्स स्टडी टुगेदर। वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, चैप्टर 6, बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट्स, क्लास 10। दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट, एज द टाइटल सजेस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो हम इस चैप्टर में साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से एक टीनेजर, एक यंग पर्सन है ना, साइंटिस्ट बनते हैं, कैसे है ना एक बुक उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बनती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको राइटर का नेम बताना चाहूँगी, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जो थे वो है ना फ्रीलांस ऑथर थे, वो मैगजीन्स में आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे। ठीक है, अब रिचर्ड एब्राइट्स को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर जब हम चैप्टर को आगे रीड करना स्टार्ट करेंगे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द स्कैरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। उन्हें सर्ल स्कॉलर अवार्ड मिला था, स्कैरिंग प्लो अवार्ड मिला था बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी में। It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. उनका जो fascination था ना butterflies को लेके, उनकी वजह से ना उनकी life में ना science बहुत ज़्यादा important हो गया था। Fascination means क्या? Attraction। तो उनका जो butterfly को से जो उनका attraction था ना, उसकी वजह से उनकी science world में entry हुई। ठीक है, अब हमें पता चलेगा किस तरह से उनकी लाइफ में एक बुक टर्निंग पॉइंट बनी रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में, और कैसे उनकी मदर ने ना उनकी हेल्प की। एट द एज ऑफ 22 ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड। स्काउट मींस क्या? एजेंट। तो जो वो एजेंट थे ईयर के, उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया था। किस तरह से एक्साइटेड किया? कि विथ अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। ठीक है, कि है ना, मतलब उन्होंने पूरे में साइंटिफिक वर्ल्ड में खलबली मच गई थी कि है ना, उनकी नई थ्योरी की वजह से उन्होंने एक क्या सिद्धांत था, कैसे सेल वर्क करते। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल। और रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जो थे, उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया एक आर्टिकल में, और जो जिसमें उनका आर्टिकल पब्लिश हो उसका नेम था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। याद रखिएगा, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और वो जब 22 के थे। It was the first time this important scientific journal had ever published. और देखिए कितना important चीज़ थी, कि इतना जो मतलब ये important scientific journal था, उसने पहली बार ऐसा हुआ था कि college students का work को publish किया था। ठीक है, in sports that would be like making the big leagues at the age of 50. अब जैसे कि ऐसा है कि आप है ना सब क्रिकेट खेलते होंगे, तो कभी कभी एक आप 15 साल का बच्चा एक रन बना ले, जो है ना घरेलू क्रिकेट होते हैं उसमें, जैसे कि उसमें है ना रन बनाने जैसा था ये। इट एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। और क्या करना था, पहली बार बल्ला पकड़ते हैं ना, जैसे पहली बार बैट को पकड़ना या फिर रन बनाना, इसकी तरह उनका है ना ये आर्टिकल जो था वो बुक में पब्लिश जर्नल में पब्लिश हुआ था। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। और ये रिचर्ड एब्राइट के लिए क्या था, ये फर्स्ट था जो उनकी पूरी लॉन्ग स्ट्रिंग बन रही है ना उसमें, मतलब एक चेन जो है उनकी आने वाले अचीवमेंट की, एक
श्रृंखला जिसे कह सकते हैं हम चेन, वो उनकी फर्स्ट स्टार्ट किससे हुई थी, जब उनका आर्टिकल फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में। जर्नल का नेम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इट वॉज़ द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये सब स्टार्ट किससे हुई, बटरफ्लाई से, ठीक है। और ये सारा पूरा इनका साइंटिफिक करियर सिर्फ बटरफ्लाइज की वजह से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि उन्हें बटरफ्लाई से फैसिनेशन था। एन ओनली चाइल्ड एब्राइड ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। अब जो एब्राइड है सिंगल चाइल्ड थे, एब्राइड है ना सिंगल चाइल्ड थे, और वो कहाँ पे ग्रू हुए थे, नॉर्थ ऑफ रीडिंग में, पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में वो है ना बड़े थे, बड़े हुए और सिंगल चाइल्ड थे। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सैड। वेट, देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सैड। अब वो है ना सिंगल चाइल्ड थे और उनका जो बड़े हुए थे वो जगह थी नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू, और वहाँ पर ज़्यादा कुछ है ना उनके पास करने को नहीं था, ठीक है। ही सैड आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। और वो है ना अकेले तो ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि अकेले फुटबॉल और बेसबॉल खेल ले, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड थे। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्टिक्स। उनका जो पूरा स्टार्टिंग है ना करियर की साइंटिफिक फील्ड में, उनकी जो एंट्री होती है वो कैसे होती है कि वो उनको शौक था हमेशा से थिंग्स कलेक्ट करने का, चीज़ें इकट्ठा करने का, ठीक है। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, तो उन्होंने वो काम किया और हमेशा वो ही किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन डेट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब से उन्होंने चीज़ें कलेक्ट करने का काम किया उन्होंने हमेशा फिर वो काम कंटिन्यू रखा, किंडरगार्टन से उन्होंने शुरुआत की थी। और उन्होंने ना बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिनेशन में दृढ़ निश्चय, तो उन्होंने है ना बहुत डिटर्मिनेशन के साथ बटरफ्लाई को भी कलेक्ट किया, जिससे है ना उनकी जो बाकी की सारी एक्टिविटीज़ थी ना उसमें भी वो दिखता था, ठीक है। अब उन्होंने उसके साथ साथ और क्या कलेक्ट किया, ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइन्स। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनोमर। ईगर जो बहुत ज़्यादा है ना इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में, ठीक है। तो है ना वो क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते थे, रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइन्स। उन्होंने है ना रॉक भी इकट्ठे किए, फॉसिल्स भी इकट्ठे किए। फॉसिल्स का मीनिंग पता है ना क्या, जैसे कुछ चट्टानों के जो अवशेष बच गए वो, सिक्के इकट्ठे किए। और है ना ईगर मीन्स जो किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड हो, तो वो है ना एक एक्साइटेड एस्ट्रोनॉमर भी बने। वो कभी कभी ना पूरी रात भर तारों को देखते थे, ठीक है, स्टार गेजिंग में पूरी रात बिता देते थे वो, ठीक है। इससे समझ आ रहा है वो हर चीज़ को लेके कितने क्यूरियस थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विथ अ ब्राइट माइंड। अब क्या हो रहा है, हमेशा से मतलब स्टार्टिंग से उनमें ना बहुत ज़्यादा उत्सुक वो थी, जिज्ञासु थे वो, हर चीज़ को लेके उनमें बहुत उत्सुकता थी। और ना उनका जो माइंड था वो भी ब्राइट था, मीन्स वो इंटेलिजेंट भी थे। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और उनकी है ना जो मदर थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा है ना उनको सपोर्ट करती थी, प्रोत्साहित करती थी, उनका जो रुचि थी ना सीखने को लेके उसे बहुत प्रोत्साहित करती थी वो। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप्स पर लेकर जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उनको टेलीस्कोप्स
माइक्रोस्कोप्स, कैमरास और माउंटिंग मटेरियल्स दिलाती थी। मतलब जितने भी उन्हें यंत्र वगैरह चाहिए होते थे वो सब उन्हें दिलाती थी। और उन्हें ना बहुत सारे अलग अलग वे में ना उनकी हेल्प करती थी। एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम मैनी अदर वेज। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। और वो बता रही कि वो उनकी एकमात्र दोस्त थी जब तक कि उन्होंने ना स्कूल स्टार्ट किया था, जब तक वो उनकी ओनली कंपेनियन थी, सिर्फ एक ही उनकी फ्रेंड था, दोस्त था, और वो उनकी मम्मी थी, मम्मा थे। हिज मदर सेड आफ्टर डैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। फिर क्या हुआ उसके बाद है ना, वो उनके लिए उनके दोस्तों को घर लेके आने लगी ताकि जो सिंगल चाइल्ड है तो बोर ना हो, उन्हें कंपनी मिल सके, इसलिए वो उनके लिए दोस्तों को घर लाती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। पर रात को हाँ क्या करते थे ये दोनों, मिलके काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। अब क्या है, रिची उनकी पूरी लाइफ थे जब से उनके पिता की मृत्यु हुई। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई ना, उनके फादर की डेथ हुई जब रिची सिर्फ थर्ड ग्रेड में थे, मतलब इतना छोटा बच्चा था। और तो जब से उनकी आफ्टर हिज फादर डेथ, उनके लिए है ना सब कुछ सिर्फ है ना रिची हो चुके थे। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। अब वो क्या करते थे, वो और उनका बेटा ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर प्रत्येक जो या जैसे डेली जो उनकी इवनिंग होती थी वो दोनों साथ में डाइनिंग रूम में स्पेंड करते थे, डाइनिंग रूम टेबल पर। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। अगर उनके पास कुछ काम नहीं करने को होता था ना तो वो उनके लिए वर्क कर लाती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। फिजिकल वर्क नहीं पर है ना लर्निंग की चीज़ें, मतलब ऐसा कोई काम जिससे है ना वो और ज़्यादा लर्न कर सके, ऐसी चीज़ें ला के देती थी। जैसे आपको भी एक्स्ट्रा कुछ वर्क दिया जाता था जिससे कि आप कुछ सीख सको नया। हिज मदर सेड ही लाइक इट, ही वॉन्टेड टू लर्न। उनकी मदर बोलती है ही वॉन्टेड टू लर्न, उन्हें ये काम पसंद आता था, वो हमेशा से ना मतलब वो सीखना चाहते थे। एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। और वो सीखते थे और उन्हें है ना हमेशा टॉप ग्रेड्स आती थी, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे उनके स्कूल में। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। पर जो एवरी डे की थिंग है, मतलब जैसे कि डेली रूटीन होगा अगर उनका कुछ, उसमें वो है ना दूसरे ही बच्चों की तरह थे। बस है ना एकेडमिक्स में है ना वो बहुत अच्छे थे और उन्हें लर्निंग का बहुत शौक था, वो मतलब बहुत इंटरेस्ट से लर्न करते थे। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। जब वो सेकंड ग्रेड में थे ना, उन्होंने 25 स्पीशीज बटरफ्लाइज की, उनके होम टाउन में जो आसपास 25 बटरफ्लाई की स्पीशीज थी ना, उन्होंने वो कलेक्ट कर ली थी। सोचो कितना क्यूरियस माइंडेड पर्सन था, और सिर्फ सेकंड क्लास का बच्चा 25 अलग अलग बटरफ्लाई की स्पीशीज को पहचान के कलेक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी स्पीशीज उन्होंने है ना, ये चार्ट है इसमें मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी जो बटरफ्लाइज है उन्होंने कलेक्ट की थी। ठीक है, देखो गोसैमर विंग्ड बटरफ्लाइज की 3 स्पीशीज कलेक्ट की, और ये उन्होंने 6 वीक्स में कलेक्ट की थी। ठीक है, स्पीशीज ये बोल्ड में, उसके बाद सब स्पीशीज। और मोनार्क, तुम देखोगे कि मोनार्क बटरफ्लाई कैसे उनकी लाइफ में है ना उस टर्निंग पॉइंट बनती है। ठीक है, डैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। अब वो बोल रहे हैं कि शायद ये मेरा बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड होता, मैं है ना अब उस बटरफ्लाई कलेक्शन नहीं करता, ये अंत था उनके लिए।
बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. अब ये बुक कैसे उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बनी, अब हम आगे कंटिन्यू जब चैप्टर करेंगे तब पढ़ेंगे. दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. माइग्रेट मीन्स वेंडर करना, जैसे इधर से उधर जाना. ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. कलेक्टर मीन्स क्या, जो चीज़ों को कलेक्ट करे. तो वो एक्साइटेड यंग कलेक्टर थे, उनके लिए ना साइंस का वर्ल्ड ओपन हो चुका था इस बुक की वजह से. ओके, लेट्स स्टॉप हियर. वी विल मीट लेटर. टेक केयर.